क्या सर्दियों में समुद्र का पानी जम जाता है क्या? इस वीडियो में इसका आंसर आपको मिलेगा। हम जानते हैं कि सर्दियों में ठंड के कारण एंटार्क्टिका और आर्कटिक समुद्र में बर्फ जम जाती है। इस प्रकार एंटार्क्टिका में पृथ्वी पर के कुल बर्फ का 90% हिस्सा है। हालांकि पिछले दशक में ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका में बर्फ बनने का दर कम हुआ है। वैज्ञानिकों के नियम अनुसार अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे भयंकर बाढ़ आ सकती है। ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फीले पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में मिल जाती है और बर्फ की बड़ी बड़ी शिला समुद्र के पानी में तैरने लगती है। इन बड़े पर्वत जैसे बर्फ की शिलाओं के टुकड़े को हिमशिला या आइसबर्ग कहते हैं। हिमखंड समुद्र की धाराओं और हवा की दिशा में समुद्र में कहीं भी पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे पिघल कर पानी में मिल जाते हैं। सामान्य पानी 0 डिग्री यानी कि 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, जबकि समुद्र का पानी -2 डिग्री यानी कि 28.4 फ़ारेनहाइट पर जमने लगता है। समुद्र में जमते बर्फ में नमक की मात्रा बहुत ही कम होती है, क्योंकि केवल पानी का हिस्सा ही जमता है और ऐसे बर्फ को गर्म करके पानी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पोलर आइस केव जमे हुए समुद्री जल का एक विशाल टुकड़ा है। हालांकि तापमान बहुत ही ठंडा होता है तब समुद्र की सतह जम जाती है, जिसे आपको लगता है कि सर्दियों में समुद्र पूरा जम जाता है, सिर्फ बर्फ ही नजर आता है। मगर आपको आश्चर्य होगा कि इसके नीचे पानी भी होता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।